नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 9 जनवरी 2020 और 9 जनवरी 2020 को हम 8 जनवरी 2020 के दिन जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम ऐप लॉन्च किया गया है, तो सीएम ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किसने किया है? तो सीएम ऐप लॉन्च किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने सीएम ऐप लॉन्च किया है। सीएम ऐप में होगा क्या, यानी जितने भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं यानी जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें एक तो लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाना यानी लोगों की भागीदारी बढ़ाना और लोग अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट सीएम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य रहेगा लोगों की भागीदारी बढ़ाना और लोगों की कंप्लेंट को सीएम तक पहुंचाना, ये रहेगा सीएम ऐप। और ये किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला, जयराम ठाकुर वहाँ के हैं मुख्यमंत्री और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम बह का आयोजित किया जाएगा? कौन सा? हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम बह आयोजित किया जाएगा? तो किस देश के बीच में, गेस करिए आप, वो है ओमान। ओमान और भारत के बीच में नसीम बह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जितने भी नौसैनिक अभ्यास होते हैं उनके बीच में एक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछा ही जाता है। यह किया जाएगा किन दो देशों के बीच में? भारत और ओमान। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। यह किया जाएगा गोवा में और ये 12वां संस्करण है दोनों देशों के बीच में। अब बात करते हैं हम ओमान। तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमानी रियाल वहाँ की क्या है? करेंसी है। और वहाँ के पीएम जो है वो है कबूस बिन सैयद अल सैयद। कौन है? कबूस बिन सैयद अल सैयद। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है? हाल ही में किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया? फिर से, कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है, गेस करिए, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, यस, नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है। विमोचन किसने किया है? विमोचन करने वाले हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह। ठीक, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में अभी विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार यानी नई नई चीज़ों को बढ़ावा देना। तो बच्चों में नवीन क्षमताओं की पहचान करने के लिए, और इनोवेशन का मतलब होता है नए नए तरीके वो ईजाद कर पाए उनको बढ़ावा देने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी और वो की जाएगी गुजरात में। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। विजय रूपाणी वहाँ के मुख्यमंत्री है और आचार्य देवव्रत है वहाँ के राज्यपाल। हम चार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एनएसओ ने 2019-20 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? देखिए, आपने देखा होगा हर साल, मतलब 2019-20 1 अप्रैल 2019 से चल रहा है और 31 मार्च 2020 तक चलेगा। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि हमारी वृद्धि दर रहने का, हर क्वार्टर, जब भी क्वार्टर निकलता है, आपने देखा होगा एक फाइनेंशियल ईयर में देर आर 4 क्वार्टर्स, यानी 4 क्वार्टर होते हैं। एक तो होता है जून, उसके बाद सेप्टेम्बर, दिसंबर और मार्च। तो हर क्वार्टर के एंड में, जैसे अभी दिसंबर क्वार्टर निकला है, दिसंबर क्वार्टर के बाद अब एक क्वार्टर लास्ट बचा है। तो अब यहाँ पे सभी एजेंसी अपना भारत की जो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसके बारे में अनुमान लगाती है कि कितना रहेगा। तो अभी एनएसओ ने जीडीपी पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 5%। कितना परसेंट लगाया है? 5% रहने का अनुमान लगाया। ये लगाया किसने? एनएसओ ने। तो फुल फॉर्म एनएसओ का क्या होता है? नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस, मतलब विभाग। तो ये एनएसओ ने लगाया और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने
हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? किस देश में कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया है? गेस कीजिए। 1971 में वो पाकिस्तान से अलग होकर देश बना है। यस, बांग्लादेश। वो देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में क्या है, अभी हमारे देश भारतीय उच्चायोग जो है उसने कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये सभी कला प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा है वो हमारे महात्मा गांधी के, अभी 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई, उसी जयंती के उपलक्ष्य में विश्व भर में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उन्हीं में से एक भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में किया है। अब बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टका वहाँ की है मुद्रा, और वहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और वहाँ के पीएम है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और वहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में रोगी देखभाल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? रोगी देखभाल यानी रोगियों की देखभाल किस राज्य में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से होती है, इसकी एक रिपोर्ट भी जारी हुई है। उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था जो है NHSRC, क्या है NHSRC, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर इन्होंने जारी किया, और उसमें कौन सा, तो बताइए, गेस करिए, जिनके वो राज्य था पर अभी हाल ही में वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यस, आपका गेस बिल्कुल सही है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में अभी क्या है, रोगी देखभाल के मामले में वह शीर्ष पर रहा है। अब अगला क्वेश्चन अपना जम्मू कश्मीर के बारे में अगर देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता है कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी रासी ने संन्यास की घोषणा करी है? हाल ही में भारत ने किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी रासी के संन्यास की घोषणा की है? तो किसकी, इटली, किसकी है, इटली। इटली क्या है, उसके फुटबॉलर की घोषणा करी है, मतलब उसने संन्यास लेने की घोषणा करी। अब इटली, इटली के बारे में जानते हैं अपन, इटली, इटली की राजधानी क्या है, रोम। यूरो वहां की क्या है, मुद्रा है, और पीएम वहां के कौन है, गिसुई कोटे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाल ही में भारत ने, है ना, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला नेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया है? कहाँ है, भारतीय जो नौसेना है अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया है? तो वो किया है मुंबई, क्योंकि नेवी है, नेवी मतलब समुद्र के तट पर, तो मुंबई। अब मुंबई में किया है, तो क्यों किया है, जो अपनी समुद्र को विरासत है, क्योंकि भारत के पास समुद्र 3 तरह से घिरा हुआ है। तो आप देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा विरासत किसकी है, समुद्री विरासत। तो हमारी समुद्री विरासत को और बढ़ावा देने के लिए पहला नेवी कनेक्ट 2020 शुरू हुआ है। अब ये नेवी कनेक्ट क्यों हुआ था, ये नौसेना के बारे में बताइए। तो हमारा जो नौसेना है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, बताइए, गेस करिए, हमारे भारतीय नौसेना जो चीफ है, जो प्रमुख है, वो है एडमिरल करमवीर सिंह। तो आज आपने यहाँ पर 9 क्वेश्चन पढ़े, एक बार हम इन 9 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, CMA लॉन्च किया है किसने, हिमाचल प्रदेश ने। क्यों लॉन्च किया है, कि CM तक अपनी कंप्लेंट को पहुंचा पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम बह आयोजित किया जाएगा, तो वो है ओमान। तीसरा है, कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन नरेंद्र मोदी के, उनके ऊपर लिखी गई बुक है, और किसने विमोचन किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, यह स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वह गुजरात। पांचवा क्वेश्चन है, NOC ने 2019-20 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 5%। छठा क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है, बांग्लादेश। सातवा क्वेश्चन है, हाल ही में रोगी देखभाल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो जम्मू कश्मीर। आठवां क्वेश्चन है, फुटबॉलर डेनियल डी रासी ने संन्यास की घोषणा की, कहाँ के, इटली। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना नेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया है, तो वह है मुंबई में। क्यों, क्योंकि हमारी समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए। आज हमने 9 क्वेश्चन पढ़े, इन 9 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़िए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में लिखिए।
आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।